कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? आशा करते हैं लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ खूब बरस रहा होगा। और स्वागत है आप सबका अपने चैनल लड्डू माधव सिंह माखन चोर में। आज आप सभी के साथ जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज उस वीडियो को एंड तक देखेंगे। डू नॉट स्किप द वीडियो, बिकॉज कई बार क्या होता है, हम वीडियो को फटाफट करके देखते हैं, एंड पार्ट तक जाते हैं और बीच का जो मैटर है वो हम मिस कर देते हैं। तो प्लीज़ ये वाला काम आप लोग मत करिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन सा आइडिया किस किस जगह पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है और आप उससे आइडिया लेकर खुद भी आप क्रिएटिव बन सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, आप सभी लोग इनडोर पार्क कैसे रेडी कर सकते हैं और वो भी घर के अवेलेबल चीज़ों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल पर इस वीडियो पर आई एक्सपेक्ट 100 लाइक, 100 तो मैं कह ही सकती हूँ बिकॉज जो रेशियो है सब्सक्राइब की अभी वो इतनी नहीं है, तो मैं 100 लाइक कह सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि ये एक मैंने प्लास्टिक जो आर्टिफिशियल मैट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ग्रास फॉर्म में, तो आप एक अपने लिए अपने घर में ये रख सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने ठाकुर जी की जो भी वीडियो शूट्स करेंगे वो बहुत ही अमेजिंग आते हैं, क्योंकि मेरे को ये लगता है ये क्रिएटिव आइडिया है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो मैं इनके ऊपर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी उनके टॉयज़ हैं, जो भी उनकी फेवरेट आइटम्स हैं, वो मैं इस पर सजा दूँगी और उसके बाद अपने बिहारी जी को यहाँ पर बिठा दूँगी। तो चलिए धीरे करके हम अपने सारे टॉयज़ को सजाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनका फेवरेट मोर सजा देते हैं। किसी भी जगह पर आप मोर को डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं एक्चुअली जब जन्माष्टमी थी मैं तभी ये सारे के सारे इनके जो पेयर्स हैं मोर के और हाथी के मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी आज इनडोर पार्क ठाकुर जी का शेयर करते हैं। इसमें आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जितने भी उनके टॉयज़ हैं, और मेरे पास वैसे अष्ट सखियों का भी एक सेट है, तो मैं वो भी आप सभी को यहाँ पर सजा के दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके लुक आ रही है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद मैं इनकी जो बैलगाड़ी है फेवरेट, मेरे लड्डू गोपाल जी की फेवरेट बैलगाड़ी है, वो मैं पीछे की तरफ ऐसे लगा दूंगी, ये देखिए, ताकि जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ बीच में बिठाऊं तो इसका जो बैक पोर्शन है वो लड्डू गोपाल जी के पीछे बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके बाद मेरे ठाकुर जी की फेवरेट मटकी है, ये देखिए, ये भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पाक में लगा दूंगी। और आप इसमें अपने ठाकुर जी के जितने भी टॉयज़ हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ ओवरव्यू इस तरीके से आ रहा है, अगर आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने एक यहाँ पर छोटा एलिफेंट लगाया है, यहाँ पर पीकॉक, उनकी मटकी और ये उनकी छोटी सी बैलगाड़ी, यहाँ पे दो और पीकॉक्स हैं, एक और एलिफेंट। अब इसके बाद मैं इनका सबसे बड़े वाला एलिफेंट यहाँ पर लगा दूंगी, ये देखिए। और इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाला एक बैनर सा लेके आई थी, ये इस तरीके से स्टैंड पर लगा हुआ है, मैं यहाँ पे इसको भी लगा दूंगी इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ करें ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी अच्छा लगे और वो भी हमारे साथ खूब मस्ती करें। तो आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा जो छोटा सा पार्क है वो रेडी हो गया है लड्डू के लिए। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की वेट हो रही है कि वो आए। ये देखिए, ये हाथी है, ये इनकी अष्ट सखियाँ हैं, एक एक करके मैंने सबको सेट कर दिया है। और ये है हमारी राधा रानी जी, दिखाई, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अर्ध सखियों में आपको मिलती हैं। और इसके बाद ये आपको पता ही है, ये हैं इनके पिताश्री ठाकुर जी के वसुदेव जी, और ये इनकी मटकी है, और ये अर्ध सखियाँ हैं, और ये है मोर, मेरे लड्डू गोपाल जी का सबसे फेवरेट मोर, और ये इनकी गैया। तो चलिए अब जल्दी से ठाकुर जी को भी लेके आते हैं उनके गार्डन में। और ये है उनका घोड़ा, फेवरेट टॉय, चलिए जल्दी से अपने लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं। फाइनली हमारे लड्डू गोपाल जी भी आ चुके हैं लड्डू माधव,
और पीछे देखिए ये है हमारे जग्गू बाबा। जग्गू बाबू को भी मैंने कहा चलो इनके पार्क में आज बिठाई देते हैं। माखन चोर तो इतने बड़े हैं वो तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे, तो मैंने इनके छोटे छोटे बच्चों को ही यहाँ पे इनको छोटे छोटों को ही बिठा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पार्क का आइडिया कैसा है। आप अपने घर में भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल फूल भी लगा सकते हैं, जो छोटे छोटे पॉट्स आते हैं वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने अभी उनको नहीं लगाया है। कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको मेरा छोटा सा क्रिएटिव आइडिया कैसा लगा, और प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपके लिए नए नए कंटेंट्स बना के लेकर आते रहेंगे। तो मैं आप सभी को मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास।